तो आज हम फिर से लेकर आए प्रकाश से संबंधित क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी उसके आगे। तो हमारे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है। तो इसका आंसर है ऊपर उजला और नीचे काला। क्यों? क्योंकि जो ऊपर उजला या सफेद रंग होने की वजह से सूर्य से आने वाले प्रकाश को ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, और जो भी थोड़ी बहुत प्रकाश हमारा ट्रांसमिट होता है तो उसको ये नीचे ब्लैक होने की वजह से वो एब्जॉर्ब करता है और हम गर्मी से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला हमको क्यों प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि आंखें कुछ समय के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं, ठीक है ना। मतलब कि जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं तीव्र प्रकाश में रहते हैं और एकदम से अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है कि वहां हमें कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। वो टाइम हमारा होता है 1/10 यानी कि 0.1 सेकंड तक हमको कुछ समझ में नहीं आता है, उसके बाद फिर हमको धीरे धीरे दिखाई देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं हमारे तरंग दैर्ध्य और वेग। यानी कि जब हमारा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करता है तो क्या क्या चेंज होते हैं, यानी कि वेवलेंथ और वेलोसिटी तो चेंज हो जाती है बट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती। क्या नहीं चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश निर्वात में वेव होता है प्रकाश का, तो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।